लास्ट टाइम भी माइंड साइंसेस पे बात हुई थी, और यूके से आए हुए हमारे मेहमान नॉटिंघम से मोहतरम मनीष अख्तर साहब थे, और उनकी जो दो बुक्स आई हैं, बल्कि सीरीज हैं, अभी दो आई हैं, मजीद अभी तैयार हो रही हैं, और उसका नाम था न्यूरो साइंस एंड आप एम्पावरमेंट। फिर उन्होंने कॉस्मिक न्यूरो साइंस का भी जिक्र किया था, तो उसमें जो उन्होंने बात खास की थी, मैंने वो वीडियो में सुनी है। उससे पहले क्योंकि उनके बुक्स पढ़ भी चुका हूँ, तो उनका कहना ये था कि अभी जो फिजिक्स पे साइंस पे जो रिसर्च थी, अब वो कम हो गई है, और अब ज़्यादातर रिसर्च हो रही है ब्रेन पे और स्पेस पे। मेटाफिजिकल हाँ, तो हमें अब उस फील्ड को कैप्चर करना चाहिए और हमें आगे आके पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर उनका उनकी सोच ये भी थी कि जैसा कि आपने कोविड में भी देख लिया कि इंटरनेट का कितना अमल दखल हो गया हमारी जिंदगियों में, तो उनका कहना ये है कि चंद सालों में ही ऐसा मुमकिन है कि हाँ, जो इंसान है वो चलते फिरते, जैसे अब लोग ईयर वर में देखे हैं, चिप्स लगवा रहे हैं, फोन भी आपके साथ जेब में है, और सब चलता इंसान जो है चलता फिरता रोबोट होगा, आधा इंसान और आधा रोबोट होगा। तो इसलिए हमें उसको इस आइडिया को भी कैच करना चाहिए और इस फील्ड में हमें काम करना चाहिए। एम्पावरमेंट से मुराद ये है, वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग ये ऐसी चीज है, यूनिवर्स में ऐसी चीज है कि जो सेल्फ डिवेलपमेंट में उसमें हम कर सकते हैं और उसमें इजाफा कर सकते हैं अपने जो सलाहियतें हैं दिमाग की। तो वो एम्पावरमेंट का लफ्ज उन्होंने वहां इसलिए यूज किया है कि ट्रेनिंग्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स करें और अपने जो है सेल्फ डेवलपमेंट करें और अपने आप को इन्हांस करें। और ये जो इतनी कीमती चीज है ब्रेन, जो पूरी यूनिवर्स की के 14.5 अरब, हाँ 14 अरब साल जो लग गए हैं यूनिवर्स को पैदा हुए हुए, जो बिग बैंग से शुरू हुई है, तो अब जो है इंसान का दिमाग उसमें जदीद तरीन वो चीज है कि जो खास तौर पर उसमें जो नियो कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, और जो उसमें जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इंसानी दिमाग का हिस्सा है, पहले रेप्टिलियन दिमाग था, तो उसमें वो और किसी चीज को हासिल नहीं है इंसान के सिवा, और यही उसके शर्फ का बायस है। तो हमें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। तो इसी चीज पे गौर करते हुए मुझे रिसेंटली पता चला कि एक साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने उसका नाम रखा है फ्रॉम गुड टू ग्रेट। तो जैसे ये डिग्रीज होती हैं, आपने देखा है कि गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट और बेटर से ग्रेट, तो ये भी सफर जो एक्सीलेंस का है, इंसानी दिमाग की तरक्की, अपनी ट्रेनिंग, और ये सारा इसका मकसद ये है कि गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ सफर। लेकिन उनका कहना ये है कि नहीं, बेस्ट से आगे भी है, जहां जैसे हम कहते हैं, पहले कहा जाता था कि स्काई इज द लिमिट, ठीक है, आप इतनी तरक्की करें कि बस आसमान तक जाएंगे, तो अब फिर आप उसकी तब्दील आ गया, वो जुमला तब्दील हो गया जुमला, और कहा जाता है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई इज नॉट द लिमिट। तो वो भी हमें देखने में नजर आता है आसमान है, लेकिन ये भी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे आगे भी आप जा सकते हैं। तो इस लिहाज से उस बुक में उन्होंने ये लिखा है और बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट किया है। वो कहते हैं कि अगर आप गुड के ऊपर मुतमईन हैं, तो आप ग्रेट बनना, बेस्ट बनना या ग्रेट बनना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि उन्होंने कहा कि गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, क्योंकि अगर आप गुड रहकर भी मुतमईन हैं और अपने हालात से, अपनी जात से, और आप मजीद तरक्की नहीं, तो आप मजीद तरक्की नहीं करेंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप कहीं भी अपनी खामी पाएं, खामी ना भी हो, आपकी जो खूबियां हैं, एक तो खामियों को कवर करें, दूसरा जो खूबियां हैं उनको एनहांस करें, उनको पॉलिश करें, तो आप अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपने सिर्फ ना सिर्फ कि अपनी जात को तरक्की देंगे, बल्कि आप पूरे माशरे को तरक्की देंगे, पूरी इंसानियत को तरक्की देंगे। तो आज हमारे लिए यही जो है लम्हे फिक्रिया है कि हम सिर्फ अपनी मौजूदा हालत पर मुतमिन ना रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ें और गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट और बेस्ट से ग्रेट का सफर करें। और फिर उनके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ग्रेट पर भी मुतमिन ना रहें, बल्कि ग्रेट को लेके आगे साथ चलते रहें, मजीद उसमें इजाफा करते रहें। तो आज मेरे गुफ्तगू यहीं तक है, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में और माशरे की तरक्की में,
और कौमों की तरक्की में जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं उसमें आप अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। वेस्ट में एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी उसमें उन्होंने कहा है कि 2045 के करीब डेथ विल बी ऑप्शनल, ऑप्शनल। कि आप ऑप्ट करेंगे यू वांट टू लाइव और यू वांट टू रिमेन। तो हाँ, क्या मतलब है, या नहीं हाउ इट इज पॉसिबल? असल में जो है ना, अभी बस ये हवाइयां ही उड़ा रहे हैं, तो जो इंसान कोई भी है, इंसान है एनिमल है, उसका जो है ना अपना एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। उस एक्सपायरी डेट के बाद अब देखें ना, अब जापान में उन्होंने कहा कि ठीक है बीमारियां अब कम हो गई, रिसर्च कर ली, वहां देखें जितने 100-100 साल के बूढ़े अब हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, बेहोश हैं, उनको ड्रिप लगी हुई है, इनएक्टिव हैं, बेकार हैं, लेकिन उस जिंदगी का कोई फायदा तो नहीं है। तो इसलिए इसलिए वो दुआ करते हैं लोग कि भैया चलते फिरते ही बस हमारा अंजाम हो जाए जो होना है। और ये है कि उम्र यकीनन बढ़ेगी, अब देखें लाइफ स्पैन बढ़ गया, हो गया है ना, अब 100 तक आ रहा है, कोशिश है 120 चला जाए, 150 चला जाए, ये तो मुमकिन है, लेकिन आगे ये है कि आप उसको किसी हद तक ये मशीनों के जरिए ही जिंदा रख सकेंगे इंसान को। और अगर जिंदा नहीं तो उसकी सोच को, कि आपकी वीडियो चल रही हैं, आपकी ऑडियो चल रही हैं, ठीक है, तो वो उस मतलब है आप फिर दुनिया में जिंदा होंगे, मीडिया में जिंदा होंगे, चलते फिरते नजर आएंगे, लेकिन ये एक्चुअल जो फिजिकल बॉडी है, इसीलिए कहते हैं कि मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग इन फिजिकल बॉडी। तो स्पिरिट तो रहेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी जो है ना, इसको आप कैसे चला सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये है कि आपका क्लोन तैयार कर लें, लेकिन आप तो वो नहीं होंगे। हाँ, तो इस लिहाज से अभी ये अच्छा, इसमें जो गुज़श्ता मीटिंग में हमारी बात हुई थी, तो इसमें ये बात भी है कि पहले फिक्शन आती है, और तो उस फिक्शन में, नॉवल में, मूवीज में, स्टार वार्स हैं, ये चीजें देख लें, तो अभी जो सारी चीजें पहले फिक्शन में आती थी ना, अफसानों में आती थी कि ऐसा हो जाएगा इंसान, जैसे पहले कहानियां थी कि कालीन उड़ रहा है जादू का, तो अब इंसान भी हवा में उड़ने लगेगा। फिर ये तो हमारी जिंदगी की ही बात है, ये कुछ साल पहले लोग कहते थे जी ये देखो टेलीफोन जो है ये बगैर तार के हो जाएगा, फिर ये कि नहीं, अब जब टेलीफोन पे बात करेंगे तो आपको बंदे का चेहरा भी नजर आएगा। जी तो इट वॉज टोटली अनबिलीवेबल फॉर अस फॉर एट दैट टाइम। तो हम तो दुआ गए हैं, गो हैं कि अल्लाह ताला जो है हम जिंदगियों में इजाफा करे, बड़ी अच्छी बात है। और ये तो इंसान आबी हयात की तलाश में सदियों से घूम रहा है, इंसान की ख्वाहिश तो यही है कि भी उसे जिंदगी हमेशा की मिल जाए, लेकिन असल में असल चीज ये है कि आप जो है, आप जो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो आप ही की कंटिन्यूएशन है, वो आप ही हैं। तो इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि ठीक है इंसान फिजिकली जिंदा रहे ना रहे, उसकी रूह और उसकी प्रोजेनी और उसके जेनेटिक्स और उसके वो तो मौजूद रहेगी। हाँ, वो राइट इनफिनिटी तो नहीं हो सकती कि इंसान क़यामत तक जिंदा रहे, वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन एज तो बढ़ रही है और एज बढ़ती रहेगी, मुमकिन है। तो मैं अभी ये तो पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजा कि WHO ने कहा इंसान की एक्चुअल एज 140 साल है। उसने कहा जी 70 ईयर का तो यूथ में आता है, अंडर 70, लेकिन वो क्योंकि 140 एक्चुअल एज है, लेकिन हम अपनी एज को रिड्यूस कर देते हैं कुछ जेनेटिकल इफेक्ट। कुछ एज। लेकिन उनका क्वेश्चन टोटल डिफरेंट था। हाँ मतलब उन्होंने कहा था कि बाय चॉइस आप जाना चाहते हैं या आप नहीं, जिंदा वो रहना पॉसिबल चाहते नहीं, हैं, वो क्या इज इट अब पॉसिबल? देखें लोगों ने तो जी, नहीं, सुने सुने सुने, क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है हो सकती जिसमें है आपकी विश हो, ऐसी कोई साइंस, कोई ऐसी चीज हो वसायल सकती हो, है? वसायल भी हो, लेकिन अब देखें लोगों ने तो वो कहते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग भी महफूज कर लिया था कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन कोई खास उससे वो रिसर्च नहीं कर सके, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। जी शिरा आपका बहुत शुक्रिया।